का फेमस रियलिटी शो इंडियन आइडल लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। इन दिनों शो पर एक खास चर्चा है, वो है नेहा और आदित्य की शादी की। सभी को इंतजार है 14 फरवरी का, जब ये दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। आदित्य और नेहा की शादी की तैयारियां सेट पर पूरी तरह से हो चुकी है। वहीं दोनों के माता पिता भी इस शादी के लिए तैयार हैं और आदित्य के माता पिता नेहा को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। नेहा कक्कर ने अभी तक शादी के लिए हाँ नहीं कहा था, लेकिन अब नेहा भी शादी के लिए आदित्य को हाँ कह चुकी है और ये सब हो पाया है धर्म जी की वजह से। इस हफ्ते इंडियन आइडल के मंच पर एक स्पेशल एपिसोड धर्म जी स्पेशल रखा गया था। इस एपिसोड में कई सारे फिल्मों में धर्म जी की हीरोइन रही जीनत अमान भी पहुंची थी और जीनत अमान स्पेशल भी रखा गया था। इस एपिसोड में पूरे सेट पर धर्म जी के गाने गूंजे और सभी कंटेस्टेंट धर्म जी के गाने गाते हुए नजर आए। सेट पर जीनत अमान ने भी धर्म जी और अपनी फिल्मों की शूटिंग के दौरान के किस्से सुनाए और सभी कंटेस्टेंट अपने गानों से खास मेहमानों को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगे हुए थे। इस दौरान सेट पर कई सारी मस्ती देखने को मिली। धर्म अपनी फिल्म शोले का एक फेमस सीन करते नजर आए। वहीं धर्म जी की बातों से नेहा भी आदित्य को शादी के लिए हाँ कहती नजर आई। वहीं रिदमिक रिदम और सनी हिंदुस्तानी भी जबरदस्त जुगलबंदी करते नजर आए। दोनों मिलकर धर्म जी का गाना मैं जट यमला पगला दीवाना गाते हुए नजर आए। दोनों को सुनकर धर्म जी के चेहरे पर बहुत सारी खुशी दिखाई दी और वो भी स्टेज पर झूमते हुए नजर आए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।